मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के सपनों पर तब पानी फिर गया जब सीएम राइज स्कूल बाग के प्राचार्य राजेंद्र राठौर और साथियों के सगे संबंधियों के बेटे और बेटियों को न होते हुए भी टॉपर का दर्जा दिला दिया गया। जिन छात्रों ने मेहनत की उनके साथ अन्याय हुआ। सूत्र बताते हैं कि प्राचार्य और अन्य दो व्यक्तियों ने मोटी रकम लेकर खुद को और दूसरों के बच्चों की मार्कशीट में नंबर बढ़वाए थे, जिसका विरोध शिक्षक शोभा राम रावत ने किया तो उन्हें पैरों में गिरने पर मजबूर किया गया। स्वाभिमानी शिक्षक ने अपने छात्र छात्राओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ होते देखा नहीं रहा गया और खुलकर विरोध किया, जिसके परिणाम स्वरूप प्राचार्य को लाइन अटैच होना पड़ा, जिस पर दबंगों ने सहयोग किया। उनको भी सजा तो मिलनी चाहिए। एक ईमानदार शिक्षक को रुलाने वाले और धमकाने वालों पर संवैधानिक कार्रवाई होनी ही चाहिए। जो अपने पद और सत्ता का नशा लिए सीधे साधे शिक्षक शोभा राम रावत को मोबाइल पर धमका चमका रहे हैं। क्या मामला है जिसके चलते आज जयेश को धरना देना पड़ रहा है बाग के अंदर? आज हम लोग बाग में हमारे जो आदिवासी शिक्षक के साथ अन्याय हुआ है, यहाँ के जो प्रिंसिपल है सीएम राइज स्कूल के राजेंद्र राठौड़ द्वारा उनको मानसिक रूप से प्रताड़ित किया गया। उनको पिछले 3 से 4 महीने से परेशान किया जा रहा है। वो मतलब टीचर इतने परेशान है कि मतलब आत्महत्या करने तक वो तैयार हुए थे, लेकिन समाज ने उनको हौसला दिया, युवाओं ने उनको हौसला दिया कि हम आपकी लड़ाई लड़ेंगे। आज मैं शिक्षा विभाग से सवाल पूछना चाहता हूं, मैं माननीय कलेक्टर साहब से सवाल पूछना चाहता हूं कि एक शिक्षक पिछले 4 महीने से परेशान है, हैरान है, आवेदन देके थक चुका है, निवेदन करके थक चुका है, उस पर कोई कार्रवाई नहीं। और जब हमने आंदोलन की घोषणा की, प्रशासन दिखाओ की कार्रवाई करता है, उनको नाम मात्र के लिए लाइन अटैच करते हैं और वहां पर भी कार्य कर रहे हैं। वो हमारी मांग है कि राजेंद्र राठौड़ को तुरंत निलंबित करें और एक आदिवासी शिक्षक को उसने प्रताड़ित किया इसलिए उस पर तत्काल आपराधिक प्रकरण दर्ज करके उसको जेल में डाले। साथ ही उसने जो घपला किया सीएम राज स्कूल में, कई बच्चे जो एग्जाम नहीं दिए, एग्जाम नहीं देने के बाद भी अव्वल आ गए, प्रथम श्रेणी में पास हो गए, तो ऐसे लोगों के भी जांच होना चाहिए। जब तक जांच नहीं होगी, जब तक हमारी मांगे नहीं मानी जाएगी, हम लोग यहाँ से उठने वाले नहीं है। ये मध्य प्रदेश में हर जगह अत्याचार हो रहा आदिवासियों पे, ऐसा क्यों? अब ये तो मध्य प्रदेश सरकार जो आदिवासियों के हितैषी होने का ढोंग रचती है। एक तरफ हमारे आदिवासी जो शिक्षक किसी बच्चों का भविष्य बनाते हैं, ऐसे शिक्षक भी अगर परेशान है, हैरान है, रो रहे हैं, उनका वीडियो सभी ने देखा है, वो अपनी पीड़ा बताते बताते रो भी है। ऐसे शिक्षकों की अगर परवाह नहीं कर रही सरकार, शिक्षा विभाग उन पर ध्यान नहीं दे रहे, कलेक्टर साहब उन पर ध्यान नहीं दे, सोचने वाली स्थिति दयनीय स्थिति है। लेकिन हमारे आदिवासी शिक्षकों के साथ इस प्रकार से जो प्रताड़ित करने की जो घटना होती है, हम लोग किसी भी प्रकार से बर्दाश्त करने वाले नहीं है और इसकी लड़ाई को हम आखिरी तक ले जाएंगे। प्राचार्य और दो दोषी शिक्षकों के ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए ताकि इनको सजा मिले और भविष्य में हमारे सभी बच्चों के साथ इस प्रकार का अन्याय न हो।